Hello everyone, how are you? Hope all of you are fit and fine. बच्चों, जैसा कि आपको पता है, हम हर रोज एक नया आसन करते हैं. आज का आसन है बो पोज. बो यानी धनुष. आपको पता है धनुष किस तरह का होता है और धनुष का क्या काम होता है. इसी तरह से इस आसन का भी हमारी बॉडी से फुल स्ट्रेच होता है. यहाँ पर इस आसन को हम हिंदी में धनुरासन या धनुष आसन भी कहते हैं. आइए देखते हैं इस आसन को कैसे किया जाता है. यहाँ इस पिक्चर में ये बच्ची बो पोज बना रही है, यानी धनुरासन कर रही है. देखिए, उसने अपनी बॉडी को पूरा स्ट्रेच करके बिल्कुल धनुष की तरह बना लिया है. अगर आप देखें तो उस बच्ची ने अपनी बैली को, अपनी लेग्स को, अपनी आर्म्स को, चेस्ट को, सबको बहुत अच्छे से स्ट्रेच किया है और बो पोज बनाया है. आइए अब हम इसे करने की विधि जानते हैं. बच्चों, जैसा आपको पता है, कोई भी आसन करने की विधि सही होगी तभी वो आपको एडवांटेज या फ़ायदा देगा. अगर आपने उसे गलत विधि से किया तो उसका कोई भी फायदा आपको नहीं मिलेगा. इसको करने के लिए आपको सबसे पहले अपने पेट के बल जमीन पर सीधा लेट जाना है और अपने हाथों को, हथेलियों को अपनी बॉडी की साइड्स में स्ट्रेच करना है. उसके बाद अपने हेड को जेंटली नीचे मैट पर रेस्ट पोजीशन में रखना है. उसके बाद आपको सांस को अंदर खींचना है. बच्चों, जब भी हम आसन करते हैं तो सांस की प्रक्रिया को बहुत ध्यान से करना है, क्योंकि ये प्रक्रिया हमारे लिए बहुत आवश्यक होती है. इसी प्रक्रिया से हमें उस आसन का लाभ 100% मिलता है. अब हम अपने सांस को अंदर खींचेंगे और अपने घुटनों से अपनी फिट को ऊपर की तरफ मोड़ने की कोशिश करेंगे. हमारे घुटनों से हमारे फीट हमारे हिप्स की तरफ मुड़ेंगे. उसके बाद हमने अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल करते हुए अपनी एड़ियों को पकड़ने की कोशिश करनी है. बच्चों, अगर आपसे एड़ियां ना पकड़ी जाएं तो आपको अपने किसी बड़े की सहायता लेनी है. लेकिन अगर फिर भी ना हो तो आपको ये आसन जितना हो सके उतना करना है. अपनी बॉडी को ज़्यादा स्ट्रेच नहीं करना है. धीरे धीरे हर रोज़ इस आसन की प्रैक्टिस करते हुए आप अपनी एड़ियों को एक दिन पकड़ लेंगे और ये आसन जो है सही तरह से कर पाएंगे. एड़ियों को पकड़ने के बाद आप अपने कंधों को ऊपर की तरफ उठाएं, अपनी लेग्स को पूरा स्ट्रेच करें, हिप्स को भी ऊपर उठाने की कोशिश करें और सबसे महत्वपूर्ण, बिल्कुल सामने देखते रहें. आपका सिर बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में सामने की तरफ होगा और आप सामने की तरफ देखेंगे. आपको इस पोजीशन में 30 सेकंड से 1 मिनट तक रहना है या फिर जितना आप इजीली रह सकें. 4-5 बार आपको सांस को अंदर लेना है और फिर बाहर निकालना है. उसके बाद आप अपने एंकल्स को छोड़ दीजिए और अपने फीट को आराम देते हुए नीचे की तरफ ज़मीन पर ले आइए और उसके बाद अपने पेट को भी आराम दीजिए. इस आसन से हमें क्या लाभ होता है? बच्चों, इस आसन से हमारी जो लेग्स हैं, हमारी चेस्ट, शोल्डर्स, बैक सब स्ट्रेच होती है, जिससे उसमें स्ट्रोंगनेस आती है, वो मजबूत बनती है. हमारे हिप्स जो हैं वो पोर्शन फ्लेक्सिबल बनता है और हमारा, जिसके कारण हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी सही होता है. यानी जो हम खाते पीते हैं, हमारा पाचन तंत्र है वो मजबूत होने से हमारा खाना पीना अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है. इस आसन को करते हुए हमें क्या क्या सावधानी देनी है? आपसे जितना स्ट्रेच हो सके आपने उतना ही करना है, ज़्यादा करने की कोशिश नहीं करनी. पेरेंट्स अपने बच्चों को ये आसन करने में सहायता कर सकते हैं. इस आसन को करते हुए आपको बहुत मज़ा आएगा. इस आसन को करके आप जो है
अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रोंग बनाएंगे, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रोंग होगी। तो आइए आज हम इसी आसन की प्रैक्टिस करते हैं। बाय बाय, हैव ए नाइस डे, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।